तो रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण को लेकर जो बड़ा मुद्दा है, अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्षी दल ने उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जवाब किस तरीके से देते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो टाइम्स नेटवर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी दफा ये क्लैरिफाई और ये क्लियर करते हुए नजर आए कि आरक्षण के वो खिलाफ नहीं है और ना ही वो थे जिन्होंने संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, लेकिन आखिरकार वो लोग है जो खिलाफ जाते उसी संविधान के जो धर्म को बेस बनाकर आरक्षण देते हैं। बेसिस दैट ही वाज असर्टिंग दैट इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एंड यस्टरडे एट कांग्रेसेस एलाय लालू यादव सेड इट ओपनली एड्रेसिंग द मीडिया इन पटना। आरजेडी सुप्रीमो सेड दैट मुस्लिम्स शुड गेट पूरा पूरा हक और फुल रिजर्वेशन। आया हुआ भड़का रहे हैं, डर डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का। संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा, पूरा हक मिलना चाहिए मुसलमानों को, दैट इज द आरजेडी सुप्रीमो। और इन्हीं को जवाब देते हुए भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन रैली में देते हुए नजर आए, लेकिन आखिरकार इंटरव्यू में जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू टाइम्स नेटवर्क के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को लेकर क्या कहा वो सुनिए। आप बिल्कुल ठीक है प्रधानमंत्री जी की एक पूरा इको सिस्टम जो है वो इसमें लग जाता है। उधर से ये प्रश्न नहीं पूछा जाता कई बार, या पूछने पर भी जवाब नहीं मिलता कि बीजेपी के घोषणा पत्र में कहाँ है कि संविधान खत्म करेंगे, अगला चुनाव नहीं होगा। यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है लेकिन कहा जाता है कि अगला चुनाव ही मोदी आएंगे तो नहीं कराएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। लिखी चीजों पर भी झूठ फैलाया जाता है। आपने सीए का जिक्र किया, तीन कृषि कानून जिसमें कहा गया कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, वो कहीं नहीं लिखा था, कहीं नहीं लिखा था, लेकिन वो भ्रम फैला फैला कर चीजें जो है वो खराब की गई। आप जब इस बार ये कह रहे हैं बार बार कि मोदी मर जाएगा लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं आने देगा, ये बड़ी स्ट्रांग लाइन है। और हमने पाठशाला में दिखाया था कि आप ये आज से नहीं कह रहे हैं, आपने गुजरात के सीएम रहते हुए भी ये चीज जग जाहिर की थी। आपको क्या खतरा दिखता है अगर धर्म के नाम पर आरक्षण आए या मुसलमानों को आरक्षण मिल जाए? इसमें मोदी मुद्दा ही नहीं है। जिस समय संविधान बन रहा था, देश के गणमान्य लोग संविधान सभा में बैठे थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू वगैरह सब बैठे थे उसमें, तो कोई आरएसएस बीजेपी वाला उस समय तो था सवाल ही नहीं था। ऐसे और सभी संप्रदाय के लोग बैठे थे और सबने मिल बैठ करके लंबी चर्चा के बाद तय किया कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण भारत को नुकसान करेगा, ये लंबी सोच के लिए ठीक नहीं है। जहाँ तक दलित का, आदिवासियों का, तो एक सामाजिक व्यवस्था पिछले सैकड़ों वर्षों में समाज में जो विकृतियाँ आई, जिस प्रकार से छूत अछूत का भाव पैदा हो गया, ऊंच नीच का भाव पैदा हो गया, और एक प्रकार से समाज एक बहुत बड़े वर्ग के साथ जन्म के आधार पर अन्याय हुआ, तो उसका प्रायश्चित करना जरूरी था। और उसमें ये सुझाव निकला, और ये निर्णय भी सनातनियों ने किया है। संविधान सभा में जो लोग बैठे थे सब सनातनी थे, जितने बैठे थे सब सनातनी थे। नेहरू जी जैसे कुछ अपवाद हो सकते हैं कि जो अपने आप को उससे ऊपर मानते हो, लेकिन ज्यादातर वही लोग राजेंद्र बाबू टीका करके बैठते थे, ऐसे लोग बैठे थे। उन्होंने निर्णय किया था कि हमें ये प्रायश्चित करना है, आरक्षण देना है, और इसलिए मैं उस भावना से जुड़ा हुआ हूं। मैं संविधान के स्पिरिट को जीना चाहता हूं, मैं संविधान के शब्दों का प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता हूं, और इसलिए मैं डे वन से कह रहा हूं कि संविधान की भावना के विरुद्ध धर्म के आधार पर आरक्षण। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे हमने जब पार्लियामेंट में 10% का किया आरक्षण कि सामान्य जाति के गरीब लोग हैं उनको, और कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी का लूटा नहीं, चोरी नहीं की, सामान्य वर्ग के, चाहे वो ब्राह्मण होगा, बनिया होगा, उसका बेटा भी अगर वो गरीबी वाला है उसको मिलेगा। उसमें मुसलमान समाज के भी जो आरक्षण कहीं मिलता नहीं है, उनके भी गरीब लोग हैं उसमें हकदार है। मतलब हक नहीं छीन रहे, धर्म को आधार मानने से हम विरोध कर रहे हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हम मुसलमान को नहीं देंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं,
मैं कहता हूं धर्म के आधार पर रचना नहीं हो सकती। इस देश में गरीब है तो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। Now, as far as when it comes to the Prime Minister who has been speaking at length and his remarks had created a political storm, Lalu Yadav later issued a clarification. Unki taraf se ek puri tarike se ek U-turn kiya gaya. Issuing a video message, the RJD chief said that the reservation should not be based on religion but on the basis of social backwardness. Aur Mandal Commission ye reservation ko ye khatam karna chahte hain. Narendra Modi. इसलिए इस तरह का ऐसा बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था जिससे कि संविधान को जो बदल दे और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता, धर्म आरक्षण का सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस इंडिया ब्लॉक की जो लड़ाई है आरक्षण को लेकर वो फिलहाल चलती हुई नजर आ रही है, मुस्लिम कोटा को लेकर, क्योंकि यहीं पर इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो मुस्लिम कोटा कॉल है वो दोबारा दोहराई जा रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लीडर है वो मंडल रिपोर्ट को साइट करते हुए नजर आ रहे हैं। Sir, once again, the Prime Minister has made certain allegations. He said that it is being mentioned in the Congress manifesto that reservation will be given to the Muslim community. Not just this, but he has also talked about the inheritance law that the Congress party is committed to implement inheritance law in this country. What do you want me to react to? The Prime Minister's remarkable imagination or with great respect, his deliberate failure to understand the truth. What do I react to, honestly? Now, if there is an issue here about reservations for Muslims, forget about reservations for Muslims, forget about reservations for anyone, whether it's Christians or Jains or Buddhists, minority or majority. Let us be clear that the Indian Constitution doesn't permit reservations on grounds of religion. Whether that's a good thing or a bad thing is not an issue today. But we took this view in the earlier years of the Constitution when we said we can't give reservations on grounds of religion. तो ये रीजनिंग कांग्रेस पार्टी की तरफ से देते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ यादव जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। सर, गुड मॉर्निंग टू यू, नमस्कार। और सैफ खान जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। सर, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। हिमंता बिस्वा सरमा असम के जो मुख्यमंत्री है वो भी जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन चाहता है कि मुसलमानों को बैकडोर एंट्री मिल जाए ताकि आरक्षण उन्हें मिल सके। एक बार ये भी सुन लेते उनका क्या रिएक्शन है और फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। This was our allegation from very beginning that Congress and India Alliance wants to distort reservation in order to facilitate backdoor entry for Muslims. Today, Lalu Yadav's statement has vindicated our apprehension. सिद्धार्थ यादव जी आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि आखिरकार जब लालू प्रसाद से पहले पूछा गया तो उनकी तरफ से कहा गया कि पूरा हक, उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी इसी मुद्दे को उठाते हुए नजर आए तो उनकी तरफ से फिर एक क्लैरिफिकेशन आया कि सोशल बैकवर्डनेस के नाते पे आरक्षण देना चाहिए ना कि धर्म के। देखिए, जो लालू जी को कहना था उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में कह दिया, और लालू जी इज अ स्मार्ट पॉलिटिशियन, उनको पता है कि पॉलिटिकल मैसेजिंग कहां पे देनी है, किसको देनी है और छोटी सी बात दूर तक कहां पहुंचानी है। ऑल ऑफ दिस इज बीइंग डन फॉर द वोट बैंक, ऑल ऑफ दिस इज बीइंग डन फॉर द अपीजमेंट। अगर लालू जी को या इनके पूरे अलायंस को ये लगता होता कि किसी और माइनॉरिटी के लिए भी कहने पर ऐसा हमको वोट मिल सकता होता तो ये वहां भी कहते, बट प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि माइनॉरिटी के नाम पर जो एक सिर्फ एक धर्म विशेष, ओनली वन रिलीजियस कम्युनिटी की जो बात करते हैं, इट इज ओनली बिकॉज दे वॉन्ट टू टैप ऑन दैट वोट बैंक। अगर ये मजबूरी नहीं होती
तो जो संविधान में नहीं लिखा वो आप कैसे कह सकते हैं? एंड द आयरनी इज दैट दे आर सेइंग दैट वी वांट टू फिनिश द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि बात वो कह रहे हैं जो संविधान में नहीं लिखी उसको लागू करने की, पर संविधान खतरा हमसे आता है. आई थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड नॉट प्रोवाइडेड फॉर अ रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन. द भारतीय जनता पार्टी स्टैंड्स फर्म ऑन दिस. वी वुड नॉट अलाउ एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर द सेक ऑफ अपीजमेंट टू डू एनी सच थिंग एंड प्ले ऑन द फॉल्ट लाइंस ऑफ दिस कंट्री एंड फर्दर डिवाइड दिस कंट्री. द राइट्स ऑफ द एससी एसटीज एंड ओबीसीज ऑफ दिस कंट्री मस्ट रिमेन इंटैक्ट एंड एनी पॉलिटिकल पार्टी और अ पॉलिटिकल लीडर कीपिंग एन आई ऑन दैट राइट ट्राइंग टू स्नैच अवे दैट राइट विल नॉट बी परमिटेड अंडर द मोदी. खान जी जवाब दीजिए सर, क्योंकि आखिरकार बीजेपी की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि क्या मजबूरी है एक पॉलिटिकल वोट बैंक को पाने के नाते आप सबके ऊपर सवाल उठाएंगे क्या, संविधान के अगेंस्ट जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संविधान के अगेंस्ट नहीं जाएंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि जितना वक्त आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को दिया उतना ही आप मुझे देंगे. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फैक्ट. जो आज हमने मोदी जी की ये स्टेटमेंट्स देखे हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारा जिक्र किया, ये गल्फ कंट्रीज के लिए भी जिक्र किया कि उनको बहुत प्यार दिया जाता है और मुस्लिम्स के लिए जो वो दुख जाहिर कर रहे थे उसका फैक्ट मैं जो है सामने रखना चाहूंगा. लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट इंटरनेशनली. सो विद पीयूज रिपोर्ट इंडिया इज रैंकिंग ऑन नंबर फोर्थ इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शन. 4,500 केसेस जो है दंगे रजिस्टर होते हैं केवल 5 साल में. दैट्स अ होम मिनिस्ट्रीज रिप्लाई. एसएचआई इंडेक्स 10 इज कंसिडर्ड द वर्स्ट. इंडिया इज रैंकिंग ऑन 8.9. दैट इज व्हाट इंडिया इज रैंकिंग. ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन हैज मोर आंसर देंगे सर तो मैं आपको वक्त जरूर दूंगा. लेट्स टॉक अबाउट जी. लेट्स स्टिक टू द इशू ना सर. लेट्स स्टिक टू द टॉपिक सर. टू इंडिया नाउ. Report of Center of Social Justice about 16,000. I'm talking about Gujarat. I mean, Modi ji was showing. मुद्दे पर बात करिए सैफ जी. मैं आपको फिर ample. I'm going to give you time for that. आप उसके ऊपर जवाब दीजिए. आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है? Absolutely. But I would like to bring the fact on the table that there are 16,000 people, those who are still disabled from their own land in Gujarat. Gujarat की बात कर रहे थे मोदी जी जो ना. Let's face the fact that. When BJP came to the power, the discussion is about was snatching away the reservation you were providing. That is the fact. Which is not in the constitution. Let's come to the fact. Answer on that. That Minority Commission itself, despite multiple complaints against BJP leaders, no action was taken. That is the fact. Sir, Congress party ka official stand, sir. I am giving you the last moment now, sir. Kapil Mishra ji, goli maro salo ko was given. Sir, last comment, sir. क्योंकि इतना सुबह वक्त नहीं होता है कि हम अच्छी तरीके से लंबी डिबेट कर पाए. ऑफ कोर्स वी वुड लव टू डू दैट, लेकिन आप इफ यू कैन स्टिक टू द इश्यू सर दैट वुड बी ग्रेट. जी Absolutely, I'm sticking to the issue. जो लव इस वक्त शो किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी एंड सबका साथ सबका विकास, जो अभी प्यार सबको दिखाया जा रहा है एंड ये भ्रम फैलाया जा रहा है. आई थिंक दिस इज अ फैक्ट जो मैं अभी ये बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल फ्रीडम की बात भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से. ये जवाब आ रहा है दोस्त टर्म्स इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल क्या भ्रम फैलाया जा रहा है. योर व्यूअर्स कैन सी फॉर देमसेल्फ्स. जो सुबह सुबह जिन्होंने टीवी ऑन किया होगा उनको क्या मिला है अभी. यू कांट आंसर ऑन पिनपॉइंटेड इश्यूज. यू व्हाट द प्रॉब्लम विद द कांग्रेस पार्टी इज दे वांट टू गिव अ बैकडोर एंट्री टू फॉर देयर अपीजमेंट वोट बैंक, बट व्हेन यू कैच देम स्पॉट ऑन एंड व्हेन यू आस्क देम क्वेश्चंस दे डोंट वांट टू आंसर. दिस इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यू कांट डू इट. व्हाई डोंट यू आंसर ऑन दैट? यू वांट टू सिट ऑन अ नेशनल टेलीविजन इन द अर्ली मॉर्निंग एंड मेक अ नैरेटिव. दिस इज हैपनिंग इन गल्फ, दैट इज हैपनिंग देयर, दीस मेनी केसेस. व्हाट केसेस? वेल, Dangas were not happening in your rule. The maximum number of riots happened under Congress rule. And you're sitting here counting about Dangas. How many Dangas have happened in UP in past 7 years, 8 years? How many? None. So this is the problem. When we ask you spot on your intentions, on well, और अभी तक फिलहाल जवाब सीधे तौर पे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है. अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हमने देखा और सुना कि सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों पर कि आखिरकार अगर सिर्फ मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा तो एससी एसटी का हक उनसे क्या छीना नहीं जाएगा. ये सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता भी. सैफ खान जी, अनफॉर्चुनेटली सर, आई गेव यू इनफ टाइम सर, बट टू मेक दैट पॉइंटेड आंसर टू दैट क्वेश्चन that I had asked. Thank you very much. Looking forward to seeing you both again on the Morning News Hour. Thank you.